वाराणसी में बवाल, मुंबई से फिल्म की शूटिंग करने आए कलाकारों का होटल मालिक पर आरोप, बंदूक दिखाकर बंधक बनाया। छत्तीसगढ़ में दौड़ेगी वंदे भारत, बिलासपुर से नागपुर के बीच चलाने की तैयारी, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मुंबई के लोगों के लिए बड़ी राहत, अब जर्जर इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता साफ। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री 11 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। देश के लिए बड़ा खतरा बना ग्लोबल वार्मिंग, 2050 तक डूब जाएंगे कई शहर, मुंबई भी शामिल। लव जिहाद को धर्म विशेष से जोड़ने पर संजय राउत ने कहा, कई लड़कियों को हिंदू लड़के ने भी मारा है तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए। तेलंगाना में TST DGSE ने परिवहन मंत्री को लिखा पत्र, कहा रैपिडो ओला उबर में निजी वाहनों के इस्तेमाल को करे बंद। मुंबई से बड़ी खबर है, सेंट बेथल चर्च में अवैध बाल गृह से छुड़ाए गए 45 बच्चे, पादरी पर लगे थे यौन शोषण के आरोप। डबल डेकर बस से आपको बता दें, मुंबई को मिलेगी डबल डेकर ई इलेक्ट्रॉनिक बस की सौगात, 14 फरवरी को हो सकती है लॉन्च। मुंबई में नहीं लगा है कर्फ्यू, पुलिस ने झूठी अफवाहों पर विश्वास ना करने की अपील की। महाराष्ट्र में ताड़ोबांधारी रिजर्व के बफर जोन में 4 वाघ शावक मृतक मिले, बीते दिन 2 वाघों की भी गई थी जान। कर्नाटक ना आए महाराष्ट्र के मंत्री, सीएम मुंबई के आदेश के बाद 2000 पुलिसकर्मी तैनात। मुंबई इंडियंस ने राशिद खान, किरण पोलार्ड को दी बड़ी जिम्मेदारी, इस लीग के कप्तान बन सकते हैं। मुंबई में 14 जनवरी से दौड़ेगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, ऐप से टिकट बुक कर सकेंगे यात्री। नागपुर में इंडोनेशिया सुपारी की तस्करी पर ईडी की रेड, 16 लाख रुपए नकद बरामद। श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हुए, तुम्हारे 70 करूंगा, महाराष्ट्र में लिव इन पार्टनर सलीम की धमकी। महाराष्ट्र में अधूरे कंस्ट्रक्शन को कर सकेंगे पूरा, राष्ट्रपति ने म्हाडा अधिनियम संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। मुंबई में 2 बच्चों की मां ने पति के खाने में मिलाया जहर, प्रेमी से करना चाहती थी शादी, गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मुंबई के मलाड क्षेत्र में 22 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 15 मिनट में पाया गया काबू। महाराष्ट्र में जितेंद्र आव्हाड का सनसनीखेज ट्वीट, कहा सीएम शिंदे के साथ दिखा तो मेरे खिलाफ दर्ज करेंगे जीप कतरे का केस। पानी के मुद्दे पर अजीत पवार व चंद्रकांत पाटिल में फिर से थनी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं, शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना। तो मुंबई में एक और जगह आग लगने की घटना सामने आई है, ये मुंबई का मलाड इलाका है। मलाड इलाके के जन कल्याण नगर में ये एक बिल्डिंग में आग लगी है। आग इस इमारत की एक रूम में लगी है। आग की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम, उनके साथ 5 गाड़ियां और मौके पर पहुंचे हुए जवान आग बुझाने में और आग को काबू करने में जुटे हुए हैं। बात करें सुरक्षा की तो इस घटना में अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, ना किसी के हताहत होने की खबर है। अब ये आग लगी कैसे है इस बात की भी जानकारी अभी तक नहीं सामने आई है। इस मामले में भी पुलिस उस आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मुंबई का मलाड इलाका जहां पे जन कल्याण नगर की एक इमारत में आग लगी है। आमच्यावर गद्दाराचा आरोप नाही लागणार आहे, आमच्यावर उठावाची क्रांती केल्याचा अभिमान आमच्या पिढी पुढच्या पिढी राहणार आहे। त्याच्यामुळं संजय राऊत, तू याच्यानंतर अशी भाषा वापरू नको। राहिला आम्ही पडायचा का लढायचा, तर जनतेला आमचा निर्णय मान्य आहे। तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जी हातमिळणी केली ती जनतेला मान्य नाही।